कर्नाटक हिमाचल का चुनाव से लेकर कर्नाटक के चुनाव के नतीजों तक ये देश में एक परिवर्तन का सूचक है। और हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना भी बाकी है। मैं कर्नाटक वासियों का धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक वासियों ने मूल मुद्दों पे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीब का शोषण, इन मुद्दों पर और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 2018 के बाद एक बार फिर से जीत मिली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कर्नाटक वासियों का धन्यवाद करता हूँ। कर्नाटक वासियों ने मूल मुद्दों पे महंगाई, बेरोजगारी, किसान, गरीब का शोषण, इन मुद्दों पर और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। और जो भाजपा के भ्रमित करने वाले जो मुद्दे रहते हैं उनको और भाजपा के घमंड को नकारने का कर्नाटक में काम किया, तो कर्नाटक के मतदाताओं का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक हिमाचल का चुनाव से लेकर कर्नाटक के चुनाव के नतीजों तक ये देश में एक परिवर्तन का सूचक है। और हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना भी बाकी है। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल होगा कि 1.5 साल के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, चुनाव की रणनीति कोई आज की तय करी है उसकी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब से एक जब से हरियाणा की जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी ली है, हम उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, ईमानदारी से लोगों के हकों के मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग वो देख रहे हैं। आज हरियाणा की जनता त्रस्त है। हरियाणा की जनता भाजपा जजपा की खट्टर दुष्यंत सरकार से, जो सरकार हर मोर्चे पे विफल होगी, जिसने हरियाणा को आज विकास की पटरी से उतारने का काम किया, जिस हरियाणा को देश में नंबर एक बेरोजगारी, दिल्ली के नज़दीक प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर एक, ये दे नहीं सरकार की, आज हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया इस सरकार ने, डबल इंजन से लूटने लगे हुए हैं, दोनों प्रतिस्पर्धा ऐसी दिखाई देती है कि कौन ज़्यादा लूटे, कौन से महकमा किसके पास, ऐसी सरकार जिस सरकार ने हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। देश में अगर किसान आंदोलन हुआ, मगर एक प्रदेश सरकार ने अगर किसान पे सबसे ज़्यादा तिरस्कार किया तो हरियाणा, कर्मचारियों पे सबसे ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम पे तो हरियाणा, मनरेगा वर्करों को और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे अगर लाठीचार्ज करने का अगर किसी सरकार ने राजनीतिक पाप किया तो करनाल के अंदर हरियाणा में हुआ, आंगनवाड़ी आशा वर्करों पर लाठीचार्ज हुआ हरियाणा के अंदर, अपने वो हकों की मांग कर रही थी। आज खिलाड़ियों को दर दर ठोकरें खानी पड़ी, हमारी बेटियों को, अगर बेटियों को भी इंसाफ और इज्जत दिलाने के लिए सरकार आगे नहीं आई, आज दुख की बात है, ये जो मुख्यमंत्री जो प्रदेश सरकार इन बेटियों के मेडल के श्रेय लेने के लिए होड़ लगती थी, आज वो ये बेटियाँ आज जंतर मंतर में बैठी हैं, लेकिन उस प्रदेश सरकार और उसके का मंत्रिमंडल आज जो आरोपी है, जो दोषी है, वो ऐसे व्यक्ति का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़े दुख की बात है कि आज ऐसी सरकार आ गई जो हर वर्ग का अपमान करने में विश्वास रख रही है। तो लोग ऐसी सरकार को बदलना चाहते हैं, हरियाणा में परिवर्तन के लिए लोगों ने मन बना लिया है। लोग हुड्डा सरकार के कार्यकाल को भी याद करते हैं और लोग कांग्रेस के और हुड्डा साहब के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए हरियाणा में लोगों ने अपना मन बना लिया है। सर, सुनने में ये भी आया कि अभी की हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या सही है? नहीं, ऐसा पता नहीं किसने बता दिया आपको, हमें तो सुनने में ये नहीं आया, मगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को किसी से गठबंधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, 90 की 90 सीटों पर हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो आम आदमी हो चाहे इनेलो हो, इन पार्टियों का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। तो हम ऐसी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके कि हमें इस भाजपा से लड़ाई में एक सीट भी कमजोरी में हम अपने किसी ऐसे उम्मीदवार को, ऐसा काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। ठीक है सर, विधानसभा चुनाव तो 1.5 साल बचे हैं, लेकिन अब 2024 में उससे पहले ही लोकसभा चुनाव है, अब ऐसे में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, वही मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव में जाहिर से राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, लेकिन प्रदेश के जो मैंने अभी आपको बहुत से मुद्दे बताए, इस भाजपा इस लोकसभा चुनाव में मुझे विश्वास है कि लोग परिवर्तन लोकसभा में और देश में भी परिवर्तन लाना चाहेंगे। और भाजपा की घमंड को, क्योंकि आज इनका घमंड सातवें आसमान पर चढ़ गया है, आज अगर हम देखें तो
जिस रूप से देश की सरकार चल रही है और लोगों को भ्रमित करते हुए, गुमराह करते हुए, बहुत लंबा समय हो गया 9 साल, कोई वायदे इन्होंने पूरे किए नहीं। तो इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि देश में भी परिवर्तन आएगा। हरियाणा में तो रिकॉर्ड परिवर्तन आएगा मगर देश में भी परिवर्तन निश्चित है। सर, रोहतक की जनता आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है और लगातार आपको 3 बार वहाँ से आपको सीटें दी है, जिताई है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते थे? वहाँ की जनता, वहाँ के लोग के बारे में क्या कहना चाहते थे? नहीं, मुझे मेरे भाई, वो मेरा परिवार है और मैं एक, मुझे गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसी जगह हुआ है जहाँ 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 की संस्कृति एक सच्चे और सीधे लोग हैं और हरियाणा के लोगों ने, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमेशा वो हमारा इलाका देशभक्त, हमारा प्रदेश देशभक्त इलाका है, हमें गर्व है और मुझे विश्वास है कि इस बार, पिछली बार भी लोगों ने बहुत साथ दिया, हार जीत का प्रश्न नहीं है लेकिन लोगों का बहुत साथ और आशीर्वाद मिला। भाजपा ने हर प्रकार के हथकंडे, साम दाम दंड भेद से, हर प्रकार से वो चुनाव, प्रधानमंत्री जी स्वयं 2 बार आए एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो उन लोग तो उसके बावजूद लोगों का फिर भी मुझे बहुत आशीर्वाद साथ मिला। चुनाव का नतीजा कुछ भी रहा हो, इस बार मुझे मगर यकीन है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों का साथ मिलेगा और मुझे जो है पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है सर, हम कुछ बड़े मुद्दे भी ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, देश में नया संसद भवन बनकर तैयार है और ऐसे में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध इस बात का कर रहे हैं कि उनके जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए था। सर, क्या कहें? देखिए, ये जहाँ तक राष्ट्रपति जी की बात है, जब भी कभी देश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड संसद के आगे रखते हैं तो एक परंपरा है, वो राष्ट्रपति अभिभाषण के रूप में राष्ट्रपति जी ही वहाँ रखते हैं, उसके बाद बहस होती है और फिर प्रधानमंत्री जी उसके बाद उसका जवाब देते हैं। ये परंपरा चली आई है क्योंकि संसद के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं और राष्ट्रपति जी को देश का एक हम सिंबॉलिक हेड मानते हैं, तो उनका अधिकार जो क्षेत्र है संसद के अंदर जो भी जो रहता है उसमें राष्ट्रपति जी का अधिकार क्षेत्र रहता है, लोकसभा स्पीकर का और राज्यसभा का वाइस चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, इनको संसद में सर्वोच्चतम माना जाता है। तो ऐसे में कई ये परंपराएं हैं, उन परंपराओं को जो है मैं समझता हूँ कायम रहें। जैसे राष्ट्रपति जी देश की जो फौज है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनकी सुप्रीम कमांडर है और इसीलिए राष्ट्रपति जी जो है 26 जनवरी की जो हमारी परेड होती है तो हमेशा देश की राष्ट्रपति जी वो सलामी लेती जो सलाह, तो ये जो है कुछ संवैधानिक पदों की जो आपसी गरिमा है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बाकी मेरे को ये भी नहीं समझ में आया, संसद के जो उद्घाटन के जो दिन भी चयन हुआ ये भी मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि अभी तक तो भवन निर्माण पूरा ही नहीं हुआ, आप खुद जाके देखें। मैं तो दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि निर्माण तो पूरा हो, तो यानी कि दिन क्या किसी राजनीतिक कारण से ये दिन का चयन हुआ है वो भी सही नहीं है। अब पूरा एक बार कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए उसके बाद उद्घाटन करना उचित रहता। सर, एक और एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो अभी चल रहा है वो पहलवानों को लेकर है। तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है और जो पहलवान है वो अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने ये मांग की है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ऐसे में सर आपका क्या कहना है? सर, हम साथ हैं, हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज हमारी बेटियों को न्याय के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ गई इस देश में, क्योंकि इस देश में बेटियों की इज्जत सबके लिए सर्वोपरि है और उसको किसी भी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, केवल वो बेटी की इज्जत सर्वोपरि है इस दृष्टि से देखा जा सकता है, ना तो जो है कि उसको किसी बेटी की इज्जत को किसी प्रदेश की दृष्टि से कि ये फला प्रदेश की बेटी है इसीलिए इसकी इज्जत कम ज़्यादा है, या किसी धर्म की दृष्टि से, या किसी जाति पाति की दृष्टि से, या किसी राजनीतिक दृष्टि से कि ये किसी भी दृष्टि से किसी बेटी की इज्जत देश की इज्जत है।
और बेटी को न्याय दिलाना राजधर्म की परिभाषा है और सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए, पहले दिन से निभाना चाहिए था, मगर ऐसा दिखाई देता है कि जहां भाजपा के सांसदों और मंत्रियों की बात आती है, हरियाणा में भी संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं उन पे इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं बने रहेंगे, क्लीन चिट दे देते हैं। यहाँ भी जो कार्रवाई जिस तरह से की गई, ऐसा दिखाई देता है कि देश की जो सरकार है वो उनके बचाव में। तो भाजपा क्या संदेश देना चाह रही है? क्या कोई भाजपा का कोई राजनेता हो वो देश की बेटियों की अगर के साथ कोई अगर गलत हरकत करे तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी? ये किस तरह का संदेश है? ये सही संदेश नहीं है। और हम मांग करते हैं कि बेटियों को न्याय मिले, सामने आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए। वो इन बेटियों के साथ तस्वीर खिंचाने में पीछे नहीं हटते थे जब ये मेडल लेके आती थी, वो सामने आए और देश के सामने देश को विश्वास में लेके कहें कि भाई क्यों इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, ये हमारी मांग। तो जैसा कि इस समय हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और इनसे हमने कई बड़े सवाल किए हैं चुनाव को लेकर, कर्नाटक चुनाव को लेकर हमने बातें करी है, हमने हरियाणा में आने वाले चुनाव को लेकर बातें करी है, साथ ही हमने पहलवानों के द्वारा जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं उस पर हमने बात करी है, साथ ही हमने संसद को लेकर बात करी है। तो ये सारे तमाम मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है, और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पंजाब केसरी, धन्यवाद।